Okay, so after all the theorem, now we just know about the some basic functions. Basic functions जो कि हम लोगों का network में भी use होगा, signals में भी use होगा, हम लोग जो बात करेंगे supply. So now start the Laplace transform. The topic is Laplace transform of some basic functions. कुछ कुछ मैं important बता दे रहा हूं, बाद में पढ़े भी हो तुम लोग, approach में बता रहा हूं कि क्या है. So okay, suppose start exponential functions. ठीक है, exponential functions से start करता हूं. Exponential function. Okay. So I think all of you know that exponential function, कोई भी function exponential, f of time domain में क्या है, हम लोग के पास function जो है, मान लेते हैं e of a t, ये मेरे पास function है, okay? So what is the Laplace transform of this exponential function? So you know the definition, all of you know the definitions of Laplace transform, you know, I think all of you know, तो मैंने अभी भी बताया l of t, so मैंने अभी बताया जो Laplace transform का definition है, so this is f of s is equal to Laplace of f of t का ही तो कहते हैं. सो डेफिनेशन क्या था, जीरो से इन्फिनिटी माइनस या जीरो माइनस, जीरो से इन्फिनिटी f of t मतलब e माइनस t f of t dt, यही था फॉर्मूला, क्या था f of t e माइनस t dt. ठीक है, सो फंक्शन मेरे पास क्या है, f of t के जगह मेरे को e of a t है, ओके, एंड नाउ इन फॉर्मूला f of t e माइनस t एंड वॉट डी टी, समझ में आ गया होगा फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ टी ई माइनस टी डी टी. सो एफ ऑफ टी का फंक्शन हम लोग के पास ई ए टी के लिए है, क्लियर है. सो ओके, सो जीरो से इंफिनिटी दैट इज ई ए माइनस एस, ओके, नाउ टी या डी टी. सो ऑल ऑफ यू नो द एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ex का exc होता है, ओके, यू नो ऑल ऑफ यू दैट ex इज इक्वल टू ex, एंड सपोज यहां पर यदि 2 होगा, यहां पर t2x होगा, तो यहां पर क्या होगा, आप सबको पता ही है, बेसिक है इंटीग्रेशन का, आना भी चाहिए, नहीं भी आता है तो याद कर लो, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला को रिवाइज कर लो, ओके. तो अब तो बताने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर तो सबका समझ में आ ही गया होगा, a a माइनस एस दिस इज t, नाउ a माइनस एस द लिमिट इज लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, अपर लिमिट इज इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी, तो इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, इंफिनिटी पुट कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो पुट कीजिएगा डी का पावर जीरो सिंपली, और ये माइनस हो जाएगा, तो मतलब देखिए करके वन बाय एस माइनस ए यही आएगा. सो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लैपलेस ऑफ ई ऑफ ए टी इज इक्वल टू वन बाय एस माइनस ए. तो जो फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूला को हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप लोगों को क्या है कि अभी फॉर्मूला को याद रख लीजिए, ई ऑफ ए टी वन बाय एस माइनस ई, क्लियर है नॉट, क्लियर ना, सबको क्लियर है, ओके. यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन, व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन. तो एक्चुअली है क्या, देख सकते हैं, u ऑफ t वन दैट इज जीरो, now this is t, so how you define the unit step function, see here, f of t is equal to ut is equal to 1 for when t is greater than 0, now is equal to 0 when t is less than 0, okay, or it is undefined for when t is equal to 0. So, अब यदि लैपलेस ट्रांसफॉर्म के लिए निकालना रहे हम लोग को, जस्ट फाइंड आउट द लैपलेस ट्रांसफॉर्म इन दिस यूनिट स्टेप फंक्शन,
So simply here, f of s Laplace f of t 0 to infinity ut, function is ut here, e minus t dt. See, so when 0 to here infinity, unit step function, that is 1, e minus t and dt. Or you know, iska hum log nikal sakte hain, e minus t divided by minus s 0 to infinity. So here limit ko put karne par 0 minus minus 1 by s, that is 1 by s. So unit step function ke liye kya hai? Laplace transform 1 by s. 1 by s. ठीक है. So actually क्या है कि similar way में हम लोग सारे functions को basic approach of integration Laplace transform का जो basic equation है हम लोग कर सकते हैं. कोई doubt नहीं होना चाहिए, है ना. Suppose sine function का example मैं बता देता हूँ. Suppose that sine function. So Rahul take a screenshot of attendance again for the next this class. Okay, so okay, suppose sine function. Sine function. So actually हम लोगों ने जो अभी है e का form में exponentials का form में basically जो है कि Laplace transform को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है. तो actually sine जो है sine function. So you know that you will Euler formula, sine theta का Euler formula सबको पता है. Euler formula. आयुष राज, Euler formula पता है आयुष? नहीं आयुष क्या आज? आयुष is not present today. Not present. Okay. अमन कुमार यादव, यू नो द साइन थीटा कॉस थीटा का जो ऑयलर फॉर्मूला होता है पता है? नहीं पता है? पता है कि नहीं? ऑयलर्स का मतलब समझ में आता है कि नहीं? ऑयलर्स जो फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि ई ऑफ आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. है पता ना सबको? इस बेसिक चीज पता होगा, ठीक है. So, यहां पर यदि हम लोग साइन का बात करते हैं, साइन का, सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी. सो जो इसको हम लोग लिखना चाहेंगे, यहाँ पर हम लोग एक्चुअली आई नहीं लेते हैं. जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल का बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में जो हम लोग बात करते हैं वो आई नहीं लेते हैं, जे ही लेते हैं, ठीक है. क्योंकि आई बेसिकली करंट के लिए यूज हो जाता है, मैथमेटिक्स में हम लोग आई लेते हैं, ठीक है. सो 1/2 J e of j omega t minus e of minus j omega t, ये हम लोगों का फॉर्मूला है. साइन थीटा को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है. सो अब जब हम लोग को ये पता आ गया तो हम लोग तो अब जो है कि इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म तो निकाल सकते हैं. मैं एक एग्जांपल बता दिया हूँ, तुम लोग का मैथमेटिक्स का भी रिविजन हो गया यहाँ पर, ठीक है. तो मैं सारा नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ बता दे रहा हूँ, तुम लोग जो है कि इसी अप्रोच से तुम लोग ड्राइव कर सकते हो. तो जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/2 J e of j omega t minus e of minus j omega t. फॉर्मूला क्या है? e minus t and dt. ये तो ft था ना, ये तो ft है. this is what ft. so ft e minus t dt, this is the formula. अब बताने का जरूरत है क्या? अब तो इंटीग्रेशन है, है ना. अब क्या है इसको? तो इंटीग्रेशन करना है, फिर से वही वाला इंटीग्रेशन लगाना है हम लोग को यहाँ पर. तो आप बस इंटीग्रेशन लगाइए, आंसर आ जाएगा 2J. इसको तोड़ दीजिए 0 से इंफिनिटी और e ऑफ सबको बारी बारी से करते हैं, j ऑफ ओमेगा माइनस एस टी एंड माइनस e ऑफ माइनस j ओमेगा प्लस एस टी और दिस इज टोटल dt. इसको बारी बारी से इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट पुट करने पर क्या आएगा? 1/2 J 1/ इसको देख करके एस माइनस जे ओमेगा और माइनस 1/ एस प्लस जे ओमेगा. नाउ सॉल्व दिस वन. इसको सॉल्व करने पर आएगा ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. सो व्हाट इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस साइन ओमेगा टी?
So Laplace transform of sine omega t is equal to omega by s square plus omega square. ठीक है, तो हम लोग को एक्चुअली इस सब वैल्यू को डायरेक्ट याद रखना है, इस सब डायरेक्ट याद रखना है कि साइन थीटा है तो उसका क्या होता है ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली कोसाइन फार्मूला के लिए, कोसाइन के लिए भी हम लोग करेंगे, उसको भी ऐसे ही सिंपली ऑयलर फॉर्म में लिखेंगे और सिमिलर वे में हम लोग एल ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी को निकालेंगे और इसमें हम लोग का एस आ जाता है ऊपर में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आ रहा होगा सबको समझ में। ठीक है, ये चार नंबर हम लोग पढ़े। तो इसी तरह से हम लोग बहुत जितने सारे फंक्शंस है सबको लैपलेस में हम लोग फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है कि एक पूरा समरी करके सारे फॉर्मूला को लिख दे रहा हूँ, सारे फॉर्मूला को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जितना भी एक डिफिनेशन से लेकर के, और इसको पढ़ लेने से और याद कर लेने से ही हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया, यूनिट स्टेप फंक्शन समझ में आ गया। ठीक है, आप यूनिट स्टेप में यदि कुछ, जैसे कि यूनिट स्टेप फंक्शन मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं अभी, जैसे यूनिट स्टेप फंक्शन है यूटी, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये यहाँ पर हम लोग का क्या है, टाइम डोमेन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टाइम डोमेन, टाइम डोमेन। ठीक है, और इधर मैं लिख रहा हूँ लैपलेस ट्रांसफॉर्म इन एस डोमेन। सो यूटी है, तो यूटी का क्या होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 बाय एस। अब यूटी माइनस टी है, कुछ डिले हो गया, शिफ्ट हो गया, डिलेड बाय टी, इसका होता है ई माइनस एस टी और डिवाइडेड बाय एस। यूनिट इंपल्स फंक्शन, इसको हम लोग डेल टी से करते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट इंपल्स। इसका सिंपली क्या होता है, वन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो निकाल ही लिए हैं, ई ऑफ ए टी यदि रहता है तो क्या लिखते हैं, वन बाय एस माइनस ए, यहां पर माइनस यदि हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, 1 by s plus a sin omega t का तो हो गया, sin omega t का भी डेरिवेशन कर लिए, sin फंक्शन का omega by s square plus omega square cos of omega t s by s square plus omega square। ठीक है, Tn रैंप फंक्शंस है, n का वैल्यू 1, 2 कुछ भी होगा रैंप फंक्शंस के लिए, रैंप फंक्शंस। सो इसके लिए होता है फैक्टोरियल n s ऑफ n प्लस 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फिर से हम लोग और है अभी, ये टाइम डोमेन, एस डोमेन, यदि कोई यूनिट रैंप फंक्शन है टी, दैट इज द यूनिट रैंप फंक्शन, तो क्या होगा इसका, वन बाय एस स्क्वायर। अब डैम्प्ड साइन फंक्शन ई ऑफ माइनस ए टी, ध्यान देना है साइन ऑफ ओमेगा टी, तो याद रखना साइन वाला जो फॉर्मूला था हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ओमेगा बाय क्या पढ़े थे, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो जब माइनस ए टी आ जाता है तो अभी मैंने पढ़ा है ना थ्योरम, शिफ्टिंग थ्योरम सर, है ना, जब माइनस रहेगा तो क्या हो गया इसके साथ में, प्लस हो जाएगा, बस यही याद रखना। जब यहाँ पर शिफ्ट, ये माइनस एटी का मतलब क्या हो रहा है, शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो सिंपली उस समय ओमेगा बाय एस के जगह में एस नहीं रहेगा, वहां पर एस प्लस ए हो जाएगा, बस यही याद रखना है और सब फॉर्मूला में लगा देना है कुछ भी। ठीक है, अब यदि ई ऑफ माइनस एटी यहाँ पर कॉस हो गया, क्या हो गया कॉस, तो वही सी, फिर हम लोग कॉस में क्या होता है, ऊपर में एस होता है, यहाँ पर एस नहीं होगा, एस प्लस ए हो जाएगा,
ऐड हो जाएगा एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सब जगह यही करना है, सब जगह यही करना है। अब मेरे पास जो ई ऑफ माइनस ए टी टी एन था, टी एन है ना, डैम्प्ड रैंप फंक्शन, ये क्या हो गया, डैम्प्ड हो गया। इसको क्या बोलेंगे, डैम्प्ड रैंप फंक्शन, डैम्प्ड रैंप फंक्शन। सो इसमें क्या होगा, बस वही कहानी, फिर से फैक्टोरियल एन होगा और एस के जगह में एस प्लस ए हो जाएगा एन प्लस वन। मतलब माइनस रहेगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में तो प्लस रहेगा एस, एस प्लस ए होगा। जब यहाँ पर प्लस रहेगा तो एस माइनस ए होगा। ठीक है, ये कुछ कुछ बेसिक जो है कि ट्रिक है जो याद रखना है। ठीक ना, और डिफरेंशिएशन भी बता दिया, थ्योरम इंटीग्रेशन वाला भी बता दिया। हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक यदि बात करते हैं, साइन का हाइपरबोलिक मतलब साइन एच ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। तो क्या बोलते हैं लोग, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। तो क्या होगा इसमें, एक मिनट, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन में कुछ नहीं, जो फॉर्मूला था उसमें हम लोगों का माइनस खाली हो जाएगा, याद याद कर लो। बोले में हम लोग यहाँ पर क्या था, साइन में प्लस था तो हाइपरबोलिक में बस माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं करना। सिमिलरली हम लोग जो है कि कॉस के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो कि मैथमेटिक्स एजुकेशन हम लोग को यहाँ पर भी याद रखना है इस फॉर्मूला को, तो हम लोग को क्या होगा कि इसमें आसानी होगा सब कुछ सॉल्व करने। ठीक है, तो ये सब जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट लैपलेस का हम लोग का थ्योरम है जो कि अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, और यदि हम लोग बात करते हैं कि इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स के बारे में पढ़े होगे ना, इनवर्स लैपलेस, तो इनवर्स लैपलेस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व द इनवर्स लैपलेस। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम लोग जनरली यूज करते हैं, है ना, तो सबको पता होगा पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम मान के चलते हैं कि मैथमेटिक्स में पार्शियल फ्रैक्शन आता होगा, केस वन, केस टू, केस थर्ड, है ना, जब लीनियर रहेगा नॉन रिपीटिंग, लीनियर रहेगा नॉन रिपीटिंग, फिर क्वाड्रेटिक रहेगा रिपीटिंग, क्वाड्रेटिक रहेगा नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह से हम लोग का बहुत सारा केसेस होता है पार्शियल फ्रैक्शन में। सो ओके, तो इनवर्स लैपलेस का कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो कि है कि आप लोग को याद कर लेना है। सो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का कुछ बेसिक फॉर्मूला है, सबको याद होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का कुछ बेसिक फॉर्मूला जो है, ठीक है, क्या था फॉर्मूला साहब, जैसे कि L इनवर्स 1 बाय S, तो इसका हो जाएगा 1, और क्या था L इनवर्स 1 बाय S माइनस A, तो ये क्या हो जाएगा E of AT। L इनवर्स क्या फॉर्मूला था, 1 बाय SN, सो दैट इज TN माइनस 1, N माइनस 1, ये फैक्टोरियल। ठीक है, इधर हम लोग याद कर लेना है, इनवर्स 1 बाय एस माइनस ए एन, एस माइनस ए हो गया, है ना, इसका मतलब समझ जाना कि क्या लग जाएगा, बस शिफ्टिंग वाला ई ऑफ ए टी, टी ऑफ एन माइनस वन सेम टू सेम रहेगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल। मान के चलते हैं कि ये फॉर्मूला है 1 by x square plus b square, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 by b, ये किसके लिए होता है, साइन, साइन ऑफ बी टी। सिमिलरली s यदि ऊपर में हो जाता है तो cos ऑफ बी टी, cos ऑफ बी टी। ठीक है, इनवर्स लैपलेस का फॉर्मूला है, यूज होगा सर्किट में, ठीक है, याद कर लेना है सबको। चलिए एक मिनट, कहाँ गायब हुए पता नहीं। वन बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यदि होता है तो
वन बाय ए हाइपरबोलिक हो जाएगा, ठीक है। और क्या था एस, तो एस जब होता तो कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एटी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सबको, ये सब बहुत बेसिक फॉर्मूला है, अप्रोच है। फिर इनवर्स में यदि ऐसा हो जाए वन बाय एस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, एस माइनस। तो माइनस का मतलब ई ऑफ ए टी हो जाएगा, और क्या होगा, साइन ऑफ बी टी, ठीक है। अब एस माइनस ए हो गया, एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एस ऊपर में किसके लिए होता है, कॉस के लिए, लेकिन एस माइनस ए है तो ए टी हो जाएगा, और ये कॉस ऑफ बी टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है कि इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का कुछ फॉर्मूला मैंने बता दिया, ठीक है। पेज कहाँ चल गया पता नहीं, ठीक है। सो यहां तक किसी को दिक्कत है किसी तरह का, जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये सब जो बेसिक लैपलेस के बारे में बताया, तो यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता सकते हो कुछ, हाँ सर दिक्कत हो रहा, कुछ नहीं दिक्कत हो रहा, तो हम लोग अब चलते हैं सर्किट एनालिसिस पे, ठीक है। सो ओके, नाउ वी स्टार्ट नाउ एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म मेथड टू सर्किट एनालिसिस। ओके, टॉपिक इज, हम लोगों ने अभी पूरा पढ़ लिया लैपलेस का, पूरा कहानी को समझ गया लैपलेस का, क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, पूरा समझ गया, ठीक है। नाउ यू नो वेरी बेसिक एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट दैट इज द रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, तो पहले हम लोग इसी को समझ लेते हैं। तो टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म मेथड टू सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस, क्या अविनाश दुबे समझ में आ रहा है ना पढ़ाई? अविनाश, यस सर, यस सर आ रहा है। मतलब एक होता है ना आना, एक होता है कि मजा आना, तो उसमें हाँ सर, मतलब लैपलास तो पढ़े हैं तो सर, तो इसमें हमको सब कुछ समझ में आ गया है। हाँ तो ठीक है, सब थोड़ा होता नहीं, हाँ थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है क्लास, मतलब एक होता है कि बोरिंग लग रहा है, सुबह सुबह राहुल सर क्या पढ़ा रहे हैं, वैसा तो नहीं लग रहा है। नहीं सर, क्योंकि पहले से पढ़े इसलिए नहीं फील हो रहा है। हाँ, नहीं पहले से नहीं भी पढ़ा रहता ना तो भी फील नहीं होता, क्योंकि मैंने एकदम इसीलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्या होता है लैपलेस, क्या होता है ना बेसिक चीज, ऐसा नहीं अंदाजे फॉर्मूला एक सर्किट बना दिया और बोले लगाओ लैपलेस, ऐसा भी मैंने नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। मैंने मान के चल रहा हूँ कि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आया होगा, किसी भी फ्रंट में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, रखो म्यूट करो। टाइम डोमेन है मेरे एक तरफ, एक तरफ एस डोमेन है, और वीडियो कौन ऑन कर लिया होगा, अगला तुम्हें वीडियो ऑफ करो, तो टाइम डोमेन एस डोमेन में रजिस्टर, तो एक बेसिक सर्किट बना करके जो है कि हम इसमें बताते हैं कि करंट वोल्टेज और क्या हम लोग का यहाँ पर रिलेशन होगा, यू नो द इंडक्टर वोल्टेज करंट आर इन सेम फेज रहता है, तो ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो ये मेरे पास एक रजिस्टर है, ओके, ये रजिस्टर जो है कि आर है, और यहाँ पर इन द फंक्शन ऑफ टाइम करंट आई टी है, and now the voltage across this one, this is the VT, okay. What is the voltage here? You know that the simply Ohm's law, that is the IR, I and here T, clear. So now convert this time domain to S domain here. So kuch nahi hai, bahut simple hai yahan par bhi. प्लस माइनस हियर आर, यहाँ पर सिंपली आई एस हो जाएगा सोर्स के लिए, यहाँ पर वोल्टेज के लिए वी एस हो जाएगा, और हियर वी एस इज इक्वल टू आर
आई एस हम लोग अभी सॉल्व करेंगे जब है ना आरसी नेटवर्क आरएल नेटवर्क आरएलसी नेटवर्क तब ये सब यूज होगा तब ये सब यूज होने वाला है। सेकंड में बात करते हैं इंडक्टर इंडक्टर एल सो इंडक्टर का सिंपली यहां पर ये हो गया एक इंडक्टर ठीक है। अब इंडक्टर का ट्रांसफॉर्म होगा हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं अभी क्या क्या होगा ओके प्लस माइनस हियर आई टी हियर एल अगेन हियर वी टी ठीक है ठीक है ठीक है ओके सो हियर यहाँ पर जो है हम लोग का वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर दैट इज एल डी आई टी बाय डी टी और करंट इज वन बाय एल इन्फिनिटी टू टी वी टी एंड डी टी सो हाउ विल यू कन्वर्ट हियर करंट इज सिंपली आई एस यू नो द इंडक्टर में चार्ज स्टोर हो जाता है भी प्लस माइनस हो गया इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा देखो माइनस प्लस ओके सो भी टी तो इसको हम लोग यहाँ पर जो याद करो टाइम डिफरेंशिएशन थ्योरम को बस लगा देना है तो भी एस इक्वल टू एल एस ऑफ आई एस माइनस आई जीरो माइनस तो मैंने बताया था। अब यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन थ्योरम को लगा देना इसके लिए इस चीज के लिए तो यहाँ पर आई एस इजिकल टू वन बाय एल वी एस बाय एस सारे केस में ऐसे ही करना है ठीक है ये कुछ नहीं है बेसिक फॉर्मूला जो शिफ्टिंग थ्योरम और टाइम डिफरेंशिएशन टाइम इंटीग्रेशन थ्योरम जो बताया ना बस उसी को ही यहाँ पर यूज करना है ठीक है। अब यदि मान लेते हैं कि मेरे पास कैपेसिटर है फॉर द कैपेसिटर कैपेसिटर दिस इज द टाइम डोमेन S domain. Current I T is equal to capacitor में क्या था C इसे बताने का जरूरत नहीं है इसे basic electrical में तुम जानते हो current voltage क्या होता है ठीक है 1 by C T नहीं जानते हो तो थोड़ा बहुत समझ लो क्या है सी सो आई टी अगेन यहां पर क्या डिफरेंशिएशन थ्योरम लग जाएगा आई एस इजिकल टू एस सी वी एस माइनस सी वी जीरो माइनस और ये वी एस आई एस बाय सी एस प्लस वी जीरो माइनस यहां पर वी की जगह पर चार्ज भी लिखेंगे हम लोग बाद में कैपेसिटर के केस में उसको लोग इनिशियल चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो हम लोग जब ये सर्किट अभी सॉल्व करेंगे ना तो वहां पर देखना मैं जब करूंगा तब सारा चीज क्लियर हो जाएगा सर्किट में ये होगा वन बाय एस सी प्लस माइनस बाय एस दिस इज बी एस तो यहां पर बेसिकली तीन पैसिव एलिमेंट है ना रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर तो करंट फ्लो कर रहा वोल्टेज करंट वोल्टेज को मैंने बस जो हम लोग के पास फॉर्मूला है करंट वोल्टेज का ठीक है तो उसी को ही जो है कि मैंने यहाँ पर टाइम डोमेन और एस डोमेन में बस लिख दिया हूं कैसे कर ठीक है। अब एक्चुअल में जब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस जो मैंने फर्स्ट क्लास में जो लास्ट क्लास था तो वहां पर एक्सप्लेन किया था ट्रांजिएंट एनालिसिस के बारे में सो ट्रांजिएंट एनालिसिस क्या है समझ में पूरा क्लियर था
ट्रांजिएंट कंडीशन, सडन चेंज इन लोड, शॉर्ट सर्किट, एनी वोल्टेज ऑन ऑफ, सडनली जो हम लोग शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो हम लोग का जो करंट राइज अप होता है या वोल्टेज राइज अप होता है शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, तो उसी चीज को स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पर लैपलेस जो है लैपलेस अप्रोच से अभी सॉल्व करेंगे, जो कि आरएल नेटवर्क हो या आरसी नेटवर्क हो, आरएलसी नेटवर्क हो, तो उसमें हम लोग जो है कि टाइम कॉन्स्टेंट को समझेंगे कि टाइम कॉन्स्टेंट एक्चुअली होता क्या है, मतलब जैसे हम लोग स्विच को ऑन ऑफ या फिर हम लोग कोई भी कैपेसिटर इंडक्टर का वैल्यू को सडनली चेंज कर रहे हैं ना, तो क्या रिस्पॉन्स होगा, है ना, कैपेसिटर है चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगा, इंडक्टर इंडक्टर में चार्ज स्टोर होगा, तो ये सब चीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म से जो वोल्टेज इक्वेशंस को सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू यूज करेंगे, तो सिंपली यदि सिंपल वे में कहेंगे तो हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म अप्रोच से जो उस दिन बताया था डिफ्रेंसिएशन से जो होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं गया क्योंकि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ही एग्जाम में ज्यादा आएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म को ही ज्यादा प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो हम लोग अभी बात करेंगे आरएल सीरीज सर्किट, क्या बात करेंगे अभी आरएल सीरीज सर्किट का, क्योंकि आरएल सीरीज सर्किट का हम लोग सिंपली मतलब क्या बोलेंगे कि ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे, ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म, टॉपिक हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट में अभी,